हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल से कि हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एंसिलरी ट्रेड्समैन ग्रुप ए बी सी डी ई एफ सभी ग्रुप के कमेंट्सों के आंसर मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ने जिस जिस ग्रुप से अप्लाई किया है और आपको जो जो समस्याएं जा रही हैं उन समस्याओं के जो आपने कमेंट्स की हैं उनके आपको आंसर मिलेंगे। देन इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि आपको कौन सा ग्राउंड प्रोवाइड होगा या हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एडमिट कार्ड की संभावना कब है, कब आ सकते हैं आपके एडमिट कार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके हर एक कमेंट का आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, और वीडियो के बाजू में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी का निशान, उसको दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो लाएं वो मिले आपको सबसे पहले। और जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें एंड अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी दोस्तों की हेल्प हो सके, इतना जरूर करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड में और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने ग्राउंड वाले क्वेश्चंस को उठाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकतर कमेंट्स मेरे को यही देखने को मिल रहे हैं हर एक वीडियो में कि सर मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मुझे कौन सा ग्राउंड प्रोवाइड होगा, सर प्लीज टेल मी, बताएं मुझे कौन सा ग्राउंड मिलेगा। चूंकि ग्रुप ए बी और ई के ग्राउंड उनको मिल गए हैं तो उन लोग ऐसे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बट ग्रुप सी डी और एफ इन लोगों के अभी कॉल लेटर नहीं आए हैं, इसलिए इन लोग बहुत परेशान हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्सुकता है हर एक कैंडिडेट के मन के अंदर, तो उनको जरूर इसके आंसर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं किसका ग्राउंड सी ग्रुप वालों का। जी हाँ फ्रेंड्स, सी ग्रुप वालों को आखिर कौन सा ग्राउंड मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर ग्राउंड का आधार आरपीएफ कांस्टेबल को माना गया है, चूंकि अभी जो एडमिट कार्ड आए हैं ग्रुप ए बी और ई वालों के, उनको सेम वही ग्राउंड मिले हैं जो ग्राउंड ग्रुप आरपीएफ कांस्टेबल वालों को मिली थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वही वाले ग्राउंड मिलेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल को मिले थे। तो सबसे पहले बात करें हम कौन सा ग्रुप सी। तो डियर फ्रेंड्स, कांस्टेबल को आरपीएफ कांस्टेबल को ग्रुप सी में मिला था आसानसोल का ग्राउंड। जी हाँ फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल आसानसोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं आसानसोल का ग्राउंड जो कि ग्रुप सी वालों को मिलेगा। चलिए लाइव देखते हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा आसानसोल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो आपको जेई वाला ग्राउंड मिलेगा ग्रुप सी वालों को। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस ग्राउंड को देख लेते हैं कि आखिर ये ग्राउंड कैसा है, कितना इसका ट्रैक है। और डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, हम आपके कमेंट्स उठा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अब ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और आप देख पा रहे होंगे आसानसोल वेस्ट बंगाल का ग्राउंड जो कि आपको मिलेगा ग्रुप सी वालों को। तो दोस्तों आपको बता दें, इस ग्राउंड की खासियत सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर दूबा है और मिट्टी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कंक्रीट नहीं है जैसा कि और बहुत से ग्राउंड में पाई जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यही है, इसलिए इस ग्राउंड को बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों यदि आपको यह ग्राउंड मिलता है तो समझिए कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आप पैदल भी दौड़ सकते हैं बगैर शूज के। जी हाँ फ्रेंड्स, पैदल भी दौड़ सकते हैं यहाँ पर, इतनी वो अच्छा ग्राउंड है और दूबा है। और खास बात इसकी यह है दोस्तों, इसका ट्रैक है 400 मीटर का, ये बात यहाँ पर खास है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल स्टेडियम जैसा है, प्ले ग्राउंड जैसा, आजू बाजू में आप देख पा रहे होंगे बैठने की भी व्यवस्था है और वृक्ष भी लगे हुए हैं। आप चाहे तो छाया में बैठ सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, आपका जब कंप्लीट हो जाए प्रोसेस देन उसके बाद आप रेस्ट भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पर बैठने के लिए स्थान भी दिख रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मुझको जो पिक्चर प्रोवाइड हुई है उन कैंडिडेट ने बताया है कि यहाँ पर रेस्ट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। आपका यदि क्लियर होता है तो आपके बैठने की व्यवस्था अच्छी रहती है, जहाँ जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतने सारे कैंडिडेट, इन सभी का ग्राउंड क्वालिफाई हो गया था रनिंग, आरपीएफ कांस्टेबल वाले स्टूडेंट हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था, देन इसके बाद
इन लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था थी वहां पे, आप देख पा रहे होंगे इनकी पिक्चर से। एक बार फिर बता दें, आप देख रहे हैं आसानसोल वेस्ट बंगाल का ग्राउंड। और हाँ, प्रूफ के तौर पर आप, अभी मैंने वो वीडियो बनाई थी, अभी देखा होगा आप लोगों ने RFID, जी हाँ फ्रेंड, RFID टैग के ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पर हर किसी पर्सन की चेस्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर इसमें चिप लगी रहती है और आपका नंबर डाला रहता है कि आप किस नंबर के कैंडिडेट हैं, जैसे कि यहाँ पे हर एक पर्सन की चेस्ट में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो सारी पिक्स शेयर कर रहा हूँ जो मुझे प्रोवाइड हुई हैं अभी तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और भी स्टूडेंट्स हैं जो अलग बैठे हुए हैं, जो सब रेस्ट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, दूसरे नंबर पे मैं ले रहा हूँ ग्रुप डी के कैंडिडेट्स, जिनका अभी एडमिट कार्ड ई कॉल लेटर आना बाकी है, लेकिन सर्वाधिक कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सर हमारे लिए कौन सा ग्राउंड प्रोवाइड होगा, प्लीज टेल मी, प्लीज बताएं सर, रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आपको बता दें, आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप सी वालों को कपूरथला पंजाब ग्राउंड प्रोवाइड हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, कपूरथला पंजाब, जो कहा ग्रुप डी वालों को था। तो उम्मीद है 100% कि आपको भी जे वाला ग्राउंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कपूरथला पंजाब, हम देख रहे हैं ग्रुप डी का ग्राउंड कपूरथला पंजाब। आप लोगों से बता दें दोस्तों, आप लोग ज्यादा टेंशन ना लो, क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ई कॉल लेटर आएंगे, मेरा काम है आपको बताने का, आपको बिल्कुल जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग ज्यादा टेंशन बिल्कुल ना लें, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप अभी इनको फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई वालों को, सेम यही प्रोसेस आपके साथ होनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ यही होगा कि आपका ग्राउंड चेंज हो जाएगा, बट आपकी A to Z प्रोसेस यही होनी है, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई के साथ हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ पिक्चर्स इसकी भी देखते हैं, कपूरथला पंजाब ग्राउंड की। इसकी ट्रैक है दोस्तों, आपको बता दें 400 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पिक्चर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हम आ गए हैं कपूरथला के ग्राउंड पर। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब सबसे बड़ी विशेषता यहां की यह है कि यहां पर जो हाई जंप होती है, यहां पर गद्दा प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने बताया है कि उसका फंसा था डियर फ्रेंड्स, तो वहां पर गद्दे प्रदान किए गए थे, यानी वहां पर प्रोवाइड थे। आप लोग चोट इंजरी से बच सकते हो, वहां पर एक फैसिलिटी है। हर एक ग्राउंड में फैसिलिटी नहीं होती, आपको बता दें, कहीं पर रेत होती है तो कहीं पर कुछ, बट वहां पर यहां पर गद्दा प्रोवाइड किया गया था। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी वृक्षों की कमी नहीं है, दूबा है ग्राउंड में, अच्छी मिट्टी है, आप यहां पर भी पैदल दौड़ सकते हैं चाहे तो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप बगैर शूज की भी यहां पर रनिंग कर सकते हैं कपूरथला पंजाब ग्राउंड में, जो कि ग्रुप डी वालों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका आने वाला है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट ग्रुप हमारा बचता है ग्रुप एफ, जिनके ई कॉल लेटर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्रुप एफ वाले कैंडिडेट्स को गोरखपुर यूपी का ग्राउंड प्रोवाइड होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको गोरखपुर का ग्राउंड मिलेगा, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल वालों को मिला था, सेम वैसे ही आपके साथ होने वाला है, आपको भी गोरखपुर का ग्राउंड मिलेगा। तो दोस्तों, आप चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं, कि आखिर कैसा ग्राउंड है, कैसा क्या है। और दोस्तों आपको बता दें, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमको इसकी लाइव वीडियो मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ने शेयर की है, जो कि यूपी का ही रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यूपी का गोरखपुर ग्राउंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लीजिए लाइव इस ग्राउंड को विद साउंड की, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने शेयर की है वीडियो। तेरे भाई है 19, तो बहुत बढ़िया खेच रहा है, थर्ड पा गए तेरे भाई, क्या खिलाया चक्कर रह रहा है, लास्ट है अब तो यार, लास्ट में तो खेच लेगा, कहाँ गया मुझे दिखाई नहीं दे रहा तेरे भाई, रे हो रहा चौथे नंबर पर है। पांच मिनट हो चुकी है,
इसकी उम्र बहुत है जो भाग रहा है। ये तो वैसे ना नहीं उम्र बहुत है, 5:22 हो गया। एक नंबर पा लिया भाई, में बहुत बढ़िया लॉन्ड है की रनिंग, 5:40 में भाई बहुत बढ़िया, 5:48 अभी तक तो सिलेक्ट है, गिनना ही ना कितने हो गए, गिनिए 4, 2, 6 पहले वाला टाइम कम तोड़ देगा बैंड, ये सब साग के जो है पहले चक्कर में आ लेगा पिछड़ देख लिए ज़्यादा खींच रहे हैं कुछ भाई, इतनी खींच नहीं बढ़ेगी पहले में जब भी निकल पा रहे। हाँ बस रेस करनी यार पीछे ना हो, ये वाला लंबे पाम मारना होता है वो तो शुरू में ही बोलिए यार। अभी तक तो आ गई है शायद वो, ये पहले वाले का चक्कर आया 1:15 में 14 में 1:17 सही आ रहा है राउंड इन का, चल तेज अगर ये ऐसे भी मारते रहे जैसे मार रहे तब भी लग जाएंगे, लास्ट खेलते खेलते रियल टीम लग जाएगी, लास्ट के को बस पहले की तरह सूट खेलते हैं। तो दोस्तों बस इतनी रहने देते हैं इस वीडियो को, आप लोगों ने बड़ी आराम से देख लिया होगा कैसा क्या हो रहा था यहाँ पे गोरखपुर ग्राउंड में, मेरे दोस्त ने शेयर की है। दोस्तों बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कैसे भी करके वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जी हाँ फ्रेंड्स, और लाइक भी करें। अब चलिए कुछ देख लेते हैं आप लोगों की ईकॉल लेटर कब तक आ सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आपके ईकॉल लेटर की, तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर एक संभावित तिथि हम बता सकते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ए बी और ई वालों के फिजिकल स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, अभी उनके
ई कॉल लेटर आए हैं, देन इसके बाद किसी के जून में, जून के लास्ट में है, किसी के जुलाई के फर्स्ट वीक में है, इस प्रकार से उन लोगों के फिजिकल होंगे। लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जो ई कॉल लेटर है डियर फ्रेंड्स, वो आपको देखने को मिल जाएंगे करीबन 20 तारीख से। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 तारीख या इस महीने के लास्ट वीक में आप लोगों के ई कॉल लेटर 101% आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप ये मान के चलिए। लेकिन आप बिल्कुल भी जरा सी अलाली ना खाएं, मतलब कि फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, नहीं तो पता चले कि बहुत से लोग बोलेंगे कि अरे अभी तो आएंगे, एक दो महीने लग जाएंगे, तो ढील ना डालें दोस्तों। आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें आपकी तैयारी, कभी भी आ सकते हैं, ऐसा समझिए कि आपका आने वाला है फिजिकल। जी हाँ फ्रेंड्स, चूँकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इसी रीज़न बस मैं आपके और भी कमेंट्स नहीं उठा रहा हूँ। अब टाइम रहेगा तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के हर एक कमेंट्स के आंसर अच्छे से दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।